जय महाकाल दोस्तों, मैं मोहित यादव और जो आज प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ सबसे सस्ती प्रॉपर्टी है द्वारका के अंदर। अगर इस बजट पे कोई द्वारका के अंदर दे दे जो आज मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ तो 5 लाख रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दूंगा मैं। क्यों लेनी चाहिए प्रॉपर्टी मैं आपको रीजन बताते जाता हूं, तो आप नोट कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका चैनल है। मैं चाहता हूं दिल्ली शहर में सबका अपना घर हो और सबसे सस्ते फ्लैट मैं दूं और सबसे लग्जरी। अब पॉइंट्स बता देता हूं क्यों इस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। पहला पॉइंट, जो ये फ्लैट है सोसाइटी का फ्लैट है, विदाउट एनी परमिशन बाहर नहीं जा सकता गार्ड के, 24x7 गार्ड रहता है, सीसीटीवी कैमरा है। और जो इसकी रूफ है वो कॉमन रहने वाली है, अगर फैमिली के साथ छोटा मोटा फंक्शन करना चाहता तो रूफ पे कर सकते हो, रूफ सबके लिए कॉमन छोड़ी हुई है। तीसरा पॉइंट, जो ये फ्लैट है बिल्कुल NSIT कॉलेज सेक्टर 3 के अपोजिट पड़ता है, जो पड़ता है द्वारका सेक्टर 15। द्वारका की प्रॉपर्टी है, सेक्टर 15 की प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और लोकेशन आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा, थोड़ा सा भी मैं रफली आइडिया बता देता हूं। अगर हम इस वाले राइट हैंड साइड से जाते हैं बिल्डिंग के तो हम बिल्कुल NSIT कॉलेज पे निकलते हैं, मेन रोड से मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस। अगर हम लेफ्ट रोड यूज करते हैं जो कि रहता है ओल्ड पालम रोड, वो आपको लेके जाता है सीधा द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल के पास, पार्क स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ विद इन 200 और 300 के अंदर मिल जाएगी। तो बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, सारी लोकेशन समझाता हूँ, फिर आपको फ्लैट का टूर करवाता हूँ, तो पूरे वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। इस प्राइसिंग में सीरियसली कुछ भी नहीं है द्वारका के अंदर। लिफ्ट मिल जाती है विदाउट एनी कार्ड, जो कहते हैं ना कार्ड के बिना लिफ्ट नहीं चलती, तो वो कार्ड रहेगी, विदाउट मेंटेनेंस लिफ्ट नहीं चलेगी। जो मेंटेनेंस देगा तो उसके पास कार्ड रहेगा, उसी से लिफ्ट चलेगी। ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है। एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो अच्छे खासे साइज में आपको एंट्रेंस मिल जाती है, 3D वॉलपेपर मिल जाता है पूरी पे, बिल्कुल जस्ट लिविंग के सामने आपको मिल जाता है टीवी पैनल, काफी ह्यूज टीवी पैनल रहने वाला है। और अगर मैं सोफे की सेटिंग की बात करूं तो अप्रोक्स यहाँ पे आप 9 सीटर सोफा आराम से प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको मंदिर बनाना है तो मंदिर के लिए अलग से स्पेस दे दिया, यहाँ पे आप मंदिर बना सकते हो, अलग से स्पेस है। और कॉमन वॉशरूम की बात करूं तो इस साइड आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम बहुत ही अच्छे साइज में मिल जाता है, एंड तक टाइलिंग से वर्क है, पापा हैंडवेयर की सैनिटरी फिटिंग्स रहेगी। और दूसरी इसकी खास बात ये है इस फ्लैट की 3 वॉशरूम रहने वाले, 3 बता दो कैसे, बेडरूम से भी ये अटैच रहने वाला है और लिविंग से भी अटैच रहने वाला है, तो लिविंग स्पेस काफी अच्छा आता है। 4 सीलिंग वगैरह पूरी की हुई है, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, वॉल वगैरह सब कुछ करवा रखा है यहाँ पे काम 3D वॉलपेपर के साथ। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ओपन किचन मिल जाती है, ओपन किचन की खास बात बहुत अच्छी है इसकी, कि जो आपने इसमें काम किया है सारा आपका हाइड्रोलिक वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हो सारे टेम्पलेट्स रेडी है। यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट मिल जाता है, इस साइड वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी और यहाँ पे चिमनी हम लगवा देंगे, पूरी टाइल्स का वर्क रहेगा और सारा जो भी वर्क किया हुआ है HDMI बोर्ड का वर्क किया हुआ है, जो कि ना पानी से गलता है ना दीपक लगती है। और बिल्कुल किचन के सामने आपको मिल जाता है डाइनिंग का स्पेस, ये पूरा डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है ओपन किचन के साथ, डाइनिंग का स्पेस इस तरफ आ गया। और अगर कोई गेस्ट आता है तो बाहर से भारी भी आप बेच सकते हो, लिविंग सेपरेट कर दिया है, डाइनिंग सेपरेट कर दिया है। फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूं, किंग साइज का बेड आप आराम से लगा सकते हो, 4 सीलिंग नॉर्मल भी डिजाइन दिया हुआ है, 3D वॉलपेपर है, साथ में वॉशरूम से अटैच रहेगा। और जो गुड़गांव वाला कॉन्सेप्ट होता है कि लिविंग में चलता है इटालियन मार्बल या टाइलिंग विट्रीफाइड, तो वो हमने टाइलिंग से यहाँ पे दी हुई है, लिविंग और
डाइनिंग में दोनों में, और जो अंदर का हमने टाइलिंग्स का वर्क किया हुआ है थोड़ा वुडन टाइप में टाइलिंग्स का वर्क किया हुआ है। अब दिखा दो आपको सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की बात करूं तो आपको प्रॉपर वार्डरोब मिलती है यहाँ पे, स्पेसियस वार्डरोब से कहते हैं। यहाँ वार्डरोब मिल जाएगी आपको स्पेसियस, इस तरह आपको स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए, चार्जिंग पॉइंट वगैरह बना सकते हो, 3D वॉलपेपर है, किंग साइज का बेड आराम से लगा सकते हो। वॉशरूम की बात करो तो वॉशरूम एक बार देख सकते हो, पूरी सैनिटरी टिंग के साथ है। साथ में बालकनी के साथ अटैच रहेगा बेडरूम। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको जो लोहे वगैरह के गेट आपको लगवाने पड़ते हैं तो वो आपको यहाँ पे लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम ऑलरेडी लगा के आपको दे रहे हैं, प्राइसिंग में इंक्लूड है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी फिटिंग्स वगैरह रह रही है सारी ब्रांडेड फिटिंग्स है, कुछ आपको करवाना नहीं है एक्स्ट्रा। थर्ड बेडरूम में दिखा देता हूँ, थर्ड बेडरूम की बात करूं तो सेम किंग साइज का बेड आप इस साइड प्लेस कर सकते हो। और अगर मैं वार्डरोब की बात करूं तो काफी ह्यूज वार्डरोब मिल जाती है आपको इस साइड, बालकनी के साथ अटैच है तो बालकनी दिखा देता हूँ। सेम तीन आपको यहाँ पे लोहे के जाने वाले गेट मिल रहे हैं इंक्लूडिंग प्राइमिंग, जो आपको एक्स्ट्रा आते हैं चार्जिंग। बालकनी की भी बात करूं तो अच्छे खासे स्पेस के साथ बालकनी मिल जाती है, टाइलिंग्स का प्रॉपर वर्क मिलता है आपको, और जो बालकनी का स्पेस है अच्छा खासा बालकनी का स्पेस है, टफन ग्लास का वर्क किया हुआ है बालकनी में भी। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख रुपीज हमने इस फ्लैट की कॉस्टिंग रखी हुई है। थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे यार बैठ के जब आप फाइनल मीटिंग के लिए आओगे। लोकेशन जरूर देख लेना एक बार, बहुत अच्छी लोकेशन का फ्लैट है। इस प्राइसिंग में सीरियसली पूरे द्वारका के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो द्वारका के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो आप हमें कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबरों पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा डिटेल्स पे हमें कॉल कर सकते हो। बाकी हमें सोशल मीडिया से फॉलो करना मत भूलना, वहां डेली की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।